हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू इंटीरियोलॉजी एम, और मेरा नाम है मधुकर मिश्रा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है। कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड सुंदर का कॉल आया मेरे पास। उन्होंने मुझसे बोला कि यार मधुकर, मैंने अपने घर के फ्लोर में टाइल लगवाई और कुछ टाइम बाद उसका कलर फेड हो गया। मुझे जान के काफ़ी हैरानी हुई, भैया ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसको रीज़न जानने की कोशिश करी और मैंने उसको रिजोल्यूशन दिया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए कि अगर आप घर में टाइल लगवा रहे हैं, फ्लोर में लगवा रहे हैं या वॉल पे लगवा रहे हैं, तो आपको कौन सी टाइल लगानी चाहिए, किस तरह से लगानी चाहिए। तो इस चीज़ को एक बार रिव्यू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग धमाकेदार एक इन्फॉर्मेशन है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइल सिलेक्ट करने का एक सीधा सा थंब रूल होता है कि अगर आप फ्लोर पे लगा रहे हैं तो दैट विल बी वेट्रीफाइड टाइल, और अगर आप वॉल पे लगा रहे हैं तो वो सिरेमिक होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। हम उसके कंपोजिशन को, क्वालिटी को और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कंपोजिशन की। कंपोजिशन में सिरेमिक टाइल जो बनती है वो नेचुरल क्ले प्लस नेचुरल मिनरल्स प्लस कुछ वाटर को मिला के बनाया जाता है। सिरेमिक टाइल नेचुरल वाटर प्लस नेचुरल क्ले मिला के बनाया जाता है। प्लस वेट्रीफाइड टाइल की अगर बात करें तो वेट्रीफाइड टाइल में 40% आपका क्ले रहता है, प्लस बाकी 60% में आपका रहता है सिलिका, क्वार्ट्ज, फील्ड स्पार। ये सारे वो मटेरियल होते हैं जो आपको ग्रेनाइट के अंदर मिलते हैं। ये इसलिए डाले जाते हैं कि वेट्रीफाइड में थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले वेट्रीफाइड टाइल को, क्योंकि वेट्रीफाइड टाइल जो मैंने थंब रूल बताया है दैट आर ऑलवेज आर यूजिंग इन अ फ्लोर, तो फ्लोर में वेट्रीफाइड आप चलेंगे, फुटफॉल होगा, लोगों की मूवमेंट होगी, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए इसमें क्वार्ट्ज, सिलिका और ये सारे मटेरियल्स इसमें मिलाए जाते हैं। अब हमने कंपोजिशन देख लिया, अब बात कर लेते हैं लोड बियरर कैपेसिटी की, मतलब लोड सहन करने की क्षमता में। देखिए, वेट्रीफाइड टाइल थोड़ी सी मजबूत होती है क्योंकि उसमें जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो सपोज आपने घर पे फ्लोर फ्लोर में टाइल लगवाया है और आपने सिरेमिक टाइल लगा दी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने फ्लोर में सिरेमिक टाइल लगा दी, तो अगर आप उसके ऊपर मूव करेंगे, अगर आप उस पर कुछ सामान लेके जाएंगे तो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर होती है। तो अगर फ्लोर पे लगवा रहे हैं तो वेट्रीफाइड लगवाएं, क्योंकि उसकी लोड बियर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फ्लोर पे आप वॉल पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप सिरेमिक टाइल लगाइए। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं दोनों टाइल्स की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की, प्लस स्टेन्स की, प्लस स्क्रैच रेजिस्टेंस की। तो देखिए, जो आपकी सिरेमिक टाइल होती है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन काफ़ी हाई होता है, वाटर को वो 5 या 6% तक एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर वेट्रीफाइड टाइल है, आप क्लियर होते जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सिरेमिक टाइल की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 5 या 6% तक होती है। प्लस अगर वेट्रीफाइड टाइल की बात करें तो उसकी कैपेसिटी कम होती है, 0.50% तक ही होती है। अच्छा, अब स्टेन्स लगने की अगर बात करें तो सिरेमिक टाइल में स्टेन्स या दाग धब्बे जल्दी लग जाते हैं और वेट्रीफाइड टाइल में नहीं लगते हैं। अगर देखिए, अगर सिरेमिक टाइल को हमने फ्लोर पे लगा दिया तो उसमें स्टेन्स लग जाएंगे, पील ऑफ हो जाएगी, उसकी स्किन जो होती है पील ऑफ निकल जाएगी। वेट्रीफाइड टाइल में ऐसा नहीं होता है। स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात करें तो स्क्रैच रेजिस्टेंस सिरेमिक टाइल में कम होता है और वेट्रीफाइड टाइल में बहुत हाई होता है। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिरेमिक टाइल अगर आपने ज़मीन पर लगाई है, आप उस पर चल रहे हैं, कुछ चीज़ मूव करा रहे हैं, तो आपको उसमें स्क्रैच दिखने लग जाएगा, क्लियर है ना? और अगर आपने वेट्रीफाइड टाइल लगाया है, देखिए अगर वेट्रीफाइड टाइल में भी आप कुछ मूव करा, अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार टॉपिक आता है कि इन दोनों टाइल को, सपोज आप बिगनर हैं, आप कहीं टाइल देखने जा रहे हैं, तो इन दोनों टाइल के बीच में आप डिफरेंस कैसे पता चलेंगे कि कौन सी सिरेमिक है कौन सी वेट्रीफाइड है? तो देखिए, वेट्रीफाइड टाइल को अगर आप पीछे करेंगे, बैक साइड देखेंगे, तो पूरा का पूरा उसका बैक वाइट टोन में होता है, वाइट फिनिश में होता है, उसके ब्लॉक्स होते हैं उस वाइट फिनिश में होता है। अगर आप सिरेमिक को उठा के देखेंगे, उसको बैक साइड में देखेंगे, तो वो होता है मैरून कलर का, रेडिश कलर लिए हुए होता है। तो ये नॉर्मल सा एक, आप जनरली 1 सेकंड के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी वेट्रीफाइड है और कौन सी सिरेमिक टाइल है। तो
तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिरेमिक टाइल और वेट्रीफाइड टाइल के यूजेस के बारे में। देखिए, वेट्रीफाइड टाइल ऐसी जगह में यूज़ होती है जहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होता है, थोड़ा सा लोड अगर उस टाइल के ऊपर रखा जाता है तो वहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल का यूज़ किया जाता है। अगर सिरेमिक प्लस जहाँ पे पानी की अगर फ्लो रहता है तो वहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, मैंने जो पहले बताया था। दूसरा, अगर सिरेमिक टाइल की बात करें तो सिरेमिक टाइल यूज़ होती है अपनी ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर आप बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में सिरेमिक टाइल यूज़ होती है। प्लस अगर आप वुडन फ्लोरिंग करा रहे हैं तो वुडन फ्लोरिंग का फ्लोर के नीचे आप सिरेमिक टाइल को यूज़ कर सकते हैं, ये कि स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है वुडन फ्लोरिंग को। प्लस अगर आप वार्डरोब बनवा रहे हैं तो उसके बैक साइड में लगवा सकते हैं, क्यों? एक तो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है, प्लस दूसरा दीमक नहीं आ पाती, दीमक आने से रोकती है, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। किचन वार्डरोब के बैक साइड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जगह है जहाँ पे आप सिरेमिक टाइल को यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप घर के फ्रेम बनवा रहे, घर के विंडो के फ्रेम या घर के डोर के फ्रेम बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आप सिरेमिक टाइल इज़ यूज़, क्योंकि अब फ्रेम जब बन गया तो उसके ऊपर कोई मूवमेंट तो होगी नहीं, वो एज इट इज़ लगा रहेगा, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे यूजेस। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँगा सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न था सिरेमिक और वेट्रीफाइड टाइल के बारे में। मैं दोबारा से बता देता हूँ, वेट्रीफाइड इज़ यूज फॉर दी फ्लोर टाइल और सिरेमिक वॉल टाइल के लिए यूज़ होती है, थंब रूल है। बाकी इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो को दोबारा से। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था एक धमाकेदार इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो के बाद में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ जो है डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।